गुरुग्राम में गाड़ी चालकों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। धड़ल्ले से नियम तोड़ती नजर आती हैं गाड़ियां। एक तेज रफ्तार BMW डिवाइडर पर चढ़ी, खंबे तक तोड़े। गुरुग्राम में वाहन चालकों को ना तो ट्रैफिक पुलिस का डर है और ना ही नियम तोड़ने का। इसका जीता जागता उदाहरण है कल हुई एक घटना। गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना एरिया में तेज रफ्तार से आती हुई BMW का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार BMW डिवाइडर पर चढ़ गई और खंबे को तोड़ दिया। इस घटना में गाड़ी में सवार दो युवक घायल हो गए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये गाड़ी खंबे से टकराई, उस वक्त वहाँ कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना स्थल पर मौजूद लोगों की माने तो गाड़ी तेज गति से आ रही थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अचानक गाड़ी को मोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शराब के नशे में धुत थे। हैरानी की बात है कि इस घटना के बारे में सेक्टर 29 थाना पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से BMW गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ी हुई है और खंभे को तोड़ा हुआ है। खंभा दूसरी ओर सड़क के बीच पड़ा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये घटना शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे के आसपास की है। बता दें ये घटना सेक्टर 29 मार्केट के नजदीक हुई। गाड़ी की टक्कर के बाद इसके बोनट से धुआं उठने लगा। क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये घर से आ रहा था सीधा, कुछ आया नहीं, एकदम स्पीड में थी गाड़ी, स्पीड में, बहुत स्पीड में थी गाड़ी। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? कुछ दो तो उन, वो निकल गए बाहर, दोनों बाहर निकल गए। काफी स्पीड में थी गाड़ी? हाँ, स्पीड में काफी थी गाड़ी। कहाँ की जगह है ये, कौन सी जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी सौरभ बबेजा के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि सागरपुर दिल्ली का रहने वाला है। गाड़ी में सवार युवक कौन थे, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में गाड़ी में सवार दोनों युवकों को चोटें आई हैं।